हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए निकालूंगी टैरो कार्ड्स। आपको लगेगा सडनली मैं टैरो कार्ड्स लेकर आ गई हूँ, अभी तो मैं रीडिंग बता रही थी, बट कोई बात नहीं, मुझे लगा है नया साल है, क्यों नहीं शुरुआत करते हैं। तो मैं ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी। अभी गाइडेंस किसके लिए? ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जिनका बर्थ डेट 1 to 10 आता है, ठीक है? 1 to 10। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 को काउंट करते हैं सिंगल डिजिट में 1, क्योंकि वो मूलांक नंबर होता है। आप समझ रहे हैं? आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं सिर्फ 1 to 10 निकाल रही हूँ, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पे कोई मूलांक नंबर नहीं है, यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट और व्हाटएवर ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं सिंपल सी रीडिंग निकालूंगी 1 से लेके 10th तक। किसी भी महीने के जन्मे लोग, किसी भी महीने में 1 to 10 में किसी का अगर बर्थ है, तो उनके लिए मैं निकाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने मूलांक नंबर की बात क्यों की, क्योंकि आजकल बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें मूलांक नंबर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ हम 1 to 31st की बात कर रहे हैं, 30th की बात कर रहे हैं। तो आज मैं जो रीडिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, 1 से 10 तक कर रही हूँ, क्योंकि जिसका बर्थडे है उसका तो 10 ही होगा ना, है ना? उसको हम 1 तो काउंट नहीं करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल रही हूँ आज आप लोगों की वेरी कॉमन रीडिंग। मैं पूरे साल की निकालूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं अच्छी सी रीडिंग दे सकूं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं शेयर कर सकूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। वाला ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, ये पूरा देखिएगा 1 to 10 के लिए जो वीडियो निकला है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत गाइडेंस भी दे रही हूँ मैं इसमें, भोलेनाथ की गाइडेंस भी दे रही हूँ मैं आपको, एंजल गाइडेंस भी दूंगी पूरे साल की कि क्या होने वाला है, कहाँ पे किस किस एरियाज में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो मेक श्योर यू डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द फुल वीडियो। शुरू करते हैं, फिर से कह रही हूँ पूरे साल की रीडिंग है। 1 से लेके 10 तारीख तक जिनका बर्थडे आया है, अभी आज का डेट है 9th, तो 9th वाले चले गए हैं, ये 10th वालों के लिए है। तो 10 तारीख, 1 से 10 तारीख जनवरी की रीडिंग, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ एक ही के लिए होगी, एक दिन के लिए जिनका बर्थडे 10th को आता है। अदरवाइज ये 1 to 10 फेब, 1 to 10 मार्च, 1 to 10 अप्रैल, 1 to 10 मई, तो ऐसे करके ये पूरे टिल दिसंबर तक की रीडिंग है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। रोड प्लीज़ मदद कीजिए, 1 से 10 जिनका बर्थडे आता है उनके लिए रीडिंग निकालनी है मुझे। कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं कार्ड ऐसे करूँगी। जो पहला कार्ड निकला है स्टार कार्ड निकला है कि आपको किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको कोई ड्रीम जॉब मिल सकता है। अगर आप अपना ड्रीम जॉब इतने टाइम से सोच रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। यू दिस ईयर डेफिनेटली यू विल गेट ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे जहां आप करना चाह रहे थे, और उससे आपको, कहते हैं ना, एक प्रॉपर्टी ली फिर उसको बेच के दूसरी ली फिर तीसरी ली, ऐसा करके आप कोई बिजनेस अगर किसी का है तो वो शुरू कर सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप टू गो ऑफ द बैगेज फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप, आप कुछ पास्ट का जो है आप उसको होल्ड करके रखा हुआ है आपने। अगर आपको नए रिश्ते बनाने हैं तो पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है? आप किसी नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। जो जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी भी हो सकती है और आपका जो रिश्ता है वो और डीप होता रहेगा। हेल्थ में थोड़े से उतार चढ़ाव आपके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ आपका, ये मैंने ओवरऑल कार्ड निकाला था आपका। तो दूसरा कार्ड आया है 8 of Wands का, तो 8 of Wands कार्ड कहता है आपका ट्रैवल का कार्ड है, गुड न्यूज़ है। आपको लग रहा है मैं इधर क्या देख रही हूँ, एक्चुअली मैं एनर्जी, आई एम ट्राइंग टू गेट दी एनर्जी कि मुझे क्या क्या बताना है आप लोगों को। प्रोग्रेस का कार्ड है, ट्राई फॉर न्यू आइडियाज़, आप लोगों को कुछ न्यू प्रोजेक्ट आ सकते हैं आप लोगों के पास, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आप लोग हॉलीडे पर भी जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द हार्ड वर्किंग पेइंग ऑफ, मतलब कुछ लोगों ने बहुत काम किया है, आपको लगता है उसका रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलता है, बट इस टाइम आप लोग को उसका रिजल्ट मिल रहा है। ये किसी के साथ रेजोनेट होगा, किसी के साथ नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। और मैं इस वाली रीडिंग में 1 से 10 की रीडिंग में सिर्फ 5 कार्ड निकालूंगी, मुझे जो जो मैसेजेस आप लोगों के लिए आते रहेंगे मैं वो मैसेजेस आपको देती रहूंगी। बहुत हार्ड वर्किंग है, वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, और स्टार का कार्ड है, इतने अच्छे कार्ड आप लोगों के निकले हैं। तो आपकी जो लाइफ है अभी तक जो चल रही थी उथल पुथल में, वो थोड़ी सी संभली है। 2024 जैसे कह रहे हैं कि शनि का साल है, कर्मों पे है, आपके पूरे जितने भी आपके अच्छे कर्म है आपको सिर्फ वही करने हैं। हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, आपका ट्रैवल है कहीं पे, एयर ट्रैवल है आपका,
चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और कार्ड निकालती हूँ। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कॉन्फिडेंट है आप, बहुत सुंदर कार्ड निकला है। पहले मैं आपको पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पैसा ही पैसा आने वाला है, बहुत सुंदर कार्ड निकले हैं फिर से। पहले मैं आपके सारे कार्ड निकालूँ, 5 कार्ड मैंने आपके निकाले हैं ओवरऑल के लिए, ठीक है। कौन से चैनल तक, मैं ये हटा देती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी आएगी कभी ना कभी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। ये इमोशनल का कार्ड है, ये देखिए कप का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, पेंटिकल्स, पैसा ही पैसा है, कहीं पे पैसा है। आपको बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है। देखिए, कभी कभी पैसा आ जाता है तो हम काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में भूल जाते हैं। ये एक्यूरियस का साइन है, बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मोस्टली ये रेजोनेट होगा जिनका एक्यूरियस है। और ये कार्ड देखिए, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, ये जो आप हैं, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, तीसरा आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं, चौथा आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और आप कोशिश पूरी करते हैं अपना काम जो होता है उसका आउटकम लाने के लिए, ठीक है। यू ट्राई योर बेस्ट कि मैं, मुझे इस जो भी काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका आउटकम मुझे अच्छा मिले, मतलब आप नेगेटिव पॉइंट में नहीं जाते हो। आपका जैसा कि मैंने बताया ट्रैवल है बाय एयर, पैसा बहुत अच्छा है, आपको कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या फिर आप बेच सकते हैं, आप कुछ भी करेंगे आपको रिटर्न में पैसा आएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी इस साल। इमोशनल आप होंगे, इमोशनल इसलिए होंगे, हो सकता है आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ के या अपने लव्ड वंस को छोड़ के आपको कहीं बाहर जाना पड़े कुछ टाइम के लिए, हो सकता है ये शॉर्ट टाइम हो, या फिर आप कहीं बाहर जॉब के लिए जाएंगे, जब आप वहाँ जॉब कर रहे होंगे फिर वो आप उनको बुला लेंगे। इसमें है कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स हैं और आप जो पैसा कमाएंगे वो आप किसी को देंगे, ये कार्ड साफ साफ कह रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा साल रहेगा आपका, बेसिकली आपने बहुत हार्डवर्क करना है। देखिए, हार्डवर्क तो किस्मत में है, और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि शनि का साल है, कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, मतलब जो भी फल आपको मिलेगा वो कर्म के बिना नहीं मिलने वाला इस बार, तो यही कार्ड आपका कह रहा है। चैरिटी है, आप मतलब आपके पास इतना पैसा होगा कि आप चैरिटी कर सको, ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली है। दूसरा है शेयरिंग इज केयरिंग, आप जैसा कि मैं बता चुकी हूँ चैरिटी में भी है, और आप अपने पेरेंट्स को भी दोगे या अपनी बहनों को, भाइयों को, किसी को भी है, मतलब यू विल बी फुलफिल दिस ईयर, वेरी नाइस। सपोर्ट इन फ्रॉम लोन, आप किसी ना तरीके से अपने घर वालों को करते रहोगे, काइंडनेस तो कूट कूट के भरी है आपके अंदर, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट बहुत है लेकिन साथ साथ काइंडनेस भी है आपके अंदर, ठीक है। बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, आपको गिव एंड टेक, जैसा कि मैंने बताया, मैं भी सिर्फ आपसे पैसे की बात कर रही हूँ फिलहाल, ओवरऑल आपका कार्ड पूरा अच्छा है। लास्ट में आपको इमोशनल की बात बताऊंगी कि आप कैसे, किस तरीके से आप इमोशनल हैं, ठीक है। तो चलिए, पैसे की बात मैंने कर ली है। लास्ट कार्ड जो आपका निकला है एस ऑफ कप्स निकला है, इसके बाद मैं आपको भोलेनाथ की गाइडेंस, जो आपको इस साल की गाइडेंस है, और मैं एंजल गाइडेंस भी आपको दूंगी, उसमें भी मैं काफी एक से ज्यादा कार्ड निकालने की कोशिश करूंगी। एस ऑफ कप्स इतना खूबसूरत कार्ड है, मतलब आपकी न्यू बिगिनिंग हो गई, रिलेशनशिप हो गया, जॉब हो गया, लव हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, हैप्पीनेस हो गई, फर्टिलिटी का कार्ड है। अगर किसी को कोई कोशिश कर रहा है कि पेरेंट बनने की, तो गुड न्यूज़ मिल सकती है, बहुत अच्छी सी न्यू फीलिंग्स है, क्रिएटिव है, रोमांस भरा है, आपकी फुलफिल है, इमोशनल है, ट्रस्ट है। आईसर प्रेगनेंसी का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत कार्ड है, ठीक है। जॉय है, लेट गो योर इमोशंस, आपके जो आप भरे हुए हैं इमोशंस, अभी देखिए वरना बॉन्ड्स का कार्ड आ जाता है थोड़ा सा, मैंने इमोशनल की बात कर लेती हूँ आपसे पहले, इमोशंस की बात देखिए। एस ऑफ कप्स होता है, कप्स जो कार्ड होता है ये इमोशंस को भी दिखाता है, तो आप थोड़े से इमोशनल रहेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसलिए केयरफुल रहना है, आंख बंद करके किसी पे विश्वास आपको नहीं करना है, जिम्मेदारियां आप पे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है, हार्ड वर्क आप करते हैं, मतलब जो भी आपका कमाया हुआ है आपके खुद का कमाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुझे तो कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, आपका कार्ड तो बहुत ही सुंदर निकला है। तो और जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी करने की सोच रहे हैं इस साल, उन लोगों की शादी भी हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया न्यू बिगनिंग करियर में। बहुत ज़्यादा ये कार्ड ना उछल उछल के मुझे एक ही चीज़ कह रहे हैं कि करियर में किसी को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, आपके दरवाजे पर आ रही है। लेकिन हाँ, मेहनत तो आप, जैसा मैंने कहा, हार्ड वर्किंग आप हो, मेहनत आप कर रहे हो, शायद आपने कहीं अप्लाई किया होगा। और बाय ट्रेवल का कार्ड है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, गुड हेल्थ। और जैसे कि मैंने बताया प्रेगनेंसी का कार्ड है, अगर कोई चाह रहा है कि इस साल वो माता पिता बन जाए तो डेफिनेटली दे कैन ट्राई फॉर इट एंड दे कैन गो फॉर इट, भगवान की दया से उनके घर में अच्छी न्यूज आएगी।
तो फिलहाल मैं ये रीडिंग यही बंद करती हूँ। बस इतना बताऊंगी कि आपकी फैमिली में खर्चे बढ़ेंगे थोड़े से, जो जहाँ पैसा आता है, कहते हैं ना लक्ष्मी माँ को कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए, जितना आपके हाथ में आता है थोड़ा सा आपको खर्च भी करना चाहते हैं, तो सर्कल है, इट्स अ लाइफ सर्कल। लक्ष्मी माता कभी किसी के घर पर रुकती नहीं है, तो अगर आपको कहीं पे खर्चा करना पड़े, किसी की हेल्प करनी पड़े, तो भगवान ने आपको इतना दिया है तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ आपके, थोड़े से ये कार्ड हो गए हैं, अब मैं थोड़े से आपके निकाल लेती हूँ भोलेनाथ की रीडिंग। उनके लिए मैं भोलेनाथ की गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड में निकालूंगी, एंजल गाइडेंस मैं आपके लिए दो चार निकालूंगी, लेकिन भोलेनाथ की रीडिंग तो मैं आपके लिए एक ही निकालूंगी। हाँ, अगर कार्ड अपने आप आ जाते हैं, उछल जाते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक ही निकालूंगी कि भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं। और ये अगर भोलेनाथ की गाइडेंस है तो आप समझ लीजिए पूरे साल की है। मेक श्योर यू फॉलो दिस। ये देखिए, मैंने कहा ना कार्ड उछलेंगे। वैसे तो मैं नॉर्मली ये कार्ड लेती नहीं हूँ, तो मैं कार्ड नहीं लूँगी जो ऐसे इतने सारे गिर जाते हैं। अगर एक दो गिर जाते हैं तो मैं लेती हूँ, दो से ऊपर नहीं गिर सकती। देखिए, ये भी अपने आप निकला है आप लोगों के लिए कार्ड। शिव जी का कार्ड कह रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, द लॉ ऑफ कर्मा रिपीटिंग व्हाट यू हैव डन। मतलब भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आपको मिल रहा है वापस, वो आपके कर्मों का हिसाब है, जो आपने किया है। अगर जो भी आप पाएंगे, जो भी खुशी होगी, वो सिर्फ आपके कर्म है। आप सीधे सीधे आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए होंगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये साल आपका कर्म का कार्ड है, तो भोलेनाथ भी यही कह रहे हैं, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा, है ना। इस साल कभी कभी क्या होता है, हम देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं रिश्ते में, लेकिन हमें वापस नहीं मिलता। बहुत अच्छा है, और आपको उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी एंजल गाइडेंस। भोलेनाथ वाले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जो कर्म आप करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, तो प्लीज़ बी विजिलेंट। आप इसके साथ क्या कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलत डिसीजन मत लेना कि भगवान मेरे साथ है, मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो हम इस जन्म में करते हैं वही हम लोगों को पे ऑफ करना होता है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ एंजल्स हेल्प मी। 1 से 10 वालों के लिए रीडिंग निकालनी है मुझे, जो 1 to 10 बॉर्न हुए हैं उनके लिए रीडिंग निकालो, गाइडेंस निकालो प्लीज़ एंजल्स। क्या ज़रूरत है उन लोगों के लिए जानने की, कहाँ आप लोगों को केयरफुल रहना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए कार्ड अपने आप आए हैं, मोस्टली एंजल के कार्ड्स मेरे अपने आप ही आते हैं, और कार्ड भी आई ट्राई टू पुल। पहले मैं लेती हूँ, आस्क योर एंजल्स एंड बी असर्टिव। देखिए, बी असर्टिव का मतलब क्या होता है, आपको असर्टिव रहना है। बी असर्टिव का सिंपल है, आपको रूड नहीं बनना है, लेकिन आपको ऐसा इंसान बनना है कि आपको अपने आसपास कुछ बाउंड्रीज लगानी है। कभी कभी क्या होता है, आप गलत नहीं होते हो, लेकिन आप ऐसी संगत में होते हो या किसी के साथ होते हो कि आप भी उस गलत में गिने जाते हो, तो यू नीड टू बी वेरी असर्टिव। कुछ चीज़ों के लिए अगर आप ना बोलेंगे तो प्यार से ना बोल दीजिए। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके आसपास कौन है। मैं जैसे कि मैंने पहले कार्ड में भी कहा कि आँख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है। जो आपका दिल कहता है मैं मुझे ये नहीं करना है, जैसा मैंने कहा, आप जो भी इस साल करेंगे अपने कर्मों से रिलेट कीजिएगा प्लीज़। अगर जो भी बातें मैंने आपको बताई है, आपके लिए इतने अच्छे कार्ड्स निकले हैं, इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, अगर आप यही सब करेंगे, आपके आसपास आप लोगों को कुछ लोग होते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, यू नो, भड़काते हैं या बहकाते हैं या आप उनकी बातों में आ जाते हैं, वो सब नहीं करना है आपने। आप सही के साथ ही खड़े रहिए। जैसे कि मैंने कहा, आप सब कुछ खो देंगे नहीं, तो मैं आपको साफ बोल रही हूँ, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ ब्लंटली, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, आपके कार्ड्स कह रहे हैं, अगर आप असर्टिव नहीं रहे, अगर आप कहते हैं ना मुझे नहीं करना है, ना नहीं कहा जाता मुझसे, ये मत करना, ये बिल्कुल मत करना। अगर आपका मन कहीं जाने का नहीं है, आपकी मम्मी रोक रही है, पापा रोक रहे हैं, आपकी वाइफ रोक रही है, आपके बच्चे कुछ कह रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए, शांति से 2 मिनट बैठिए। आपका फ्रेंड कॉल करता है, चलो यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा सा सांस लीजिए, टेक अ ब्रीथ, टेल दैट पर्सन आई कॉल यू बैक। 5 मिनट लीजिए, सोचिए कोइंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके, ठीक है, वही करना है आपको। और ये साल है आपका पूरे पैसे कमाने का, अपना करियर खड़ा करने का, अपना सब कुछ बनाने का। मैं पहली बता रही हूँ, चाहे कोई लड़का है, लड़की है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, अपॉर्चुनिटी आएगी, खुद चल के आएगी, लेकिन वही है कि आपको देखना है चारों तरफ है यार, मत ले अपॉर्चुनिटी, कहाँ जाना है, क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे भी बोलेंगे, कोई मैरिड है, कोई यू नो हाउसवाइफ है, कि क्या करोगे, बच्चे देखो, अपने ये करो, सब कुछ देखो, सब कुछ करो, सोचो समझो तभी फैसला लो, लेकिन आपको असर्टिव बनना है। कभी कभी क्या होता है, फैमिली प्रेशर आ जाता है हम लेडीज़ के ऊपर, बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है, काफ़ी चीज़ें आ जाती है, यू नो, कभी होता है ना, ये चीज़ मेरे लिए सही है तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी सही हो, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो अगर आपको कहीं स्टैंड लेना है, बेसिकली मैं यही कहूँगी, तो प्लीज़ स्टैंड लीजिए। एंजल्स आपसे कह रही हैं, आज के
आपके एंजल्स। देखिए दो कार्ड, इतने दोनों कार्ड आपके रिलेट निकले हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूज हो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे साइन दो, मुझे कुछ यू नो सिग्नल दो, और अपनी एंजल से रिक्वेस्ट करो, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपको बताएंगे किसी ना किसी के माध्यम से पक्का बताएंगे। अब मैं आपको, मैंने कहा था ना मैं कोशिश करूँगी थोड़े और कार्ड लेने की, एंजल गाइडेंस में पांच कार्ड निकालूंगी। नॉर्मली मैं पांच कार्ड निकालती हूँ, है ना, वैसे तो मैं एक निकालती हूँ, ये आ रहा है कार्ड, मैं बता देती हूँ आपको, यू आर रेडी। देखिए आपके कितने रिलेट कार्ड आ रहे हैं, मतलब मानना पड़ेगा, है ना, तो वही बी रेडी, आप रेडी हैं, रेडी रहिए, अपॉर्चुनिटी आएगी और आपको बैग उठा के निकलना है, बस अच्छी सी न्यूज़ है। लेकिन वही है, सारी चीज़ें माइंड में रखिए, फिर से कार्ड आया है, ये दो कार्ड खुद ही आ गए हैं तो मैं इन्हीं को ले लेती हूँ, ठीक है। पहला कार्ड आया है फॉरगिवनेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप लेट गो कीजिए, माफ़ कीजिए लोगों को, जैसे मैंने बताया था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, रूड नहीं रहना है, अपनी एक अलग अकड़ में नहीं रहना है, लोगों को माफ़ करना सीखो। जहाँ आप माफ़ करना सीखोगे कोई छोटा नहीं होता, ठीक है। तो फॉरगिवनेस आ रहा है। एक आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप छानबीन करके कीजिए। ये देखिए कार्ड निकला है, तो ये अच्छी सी जो मैं एंजल्स आपको इतनी प्यारी सी गाइडेंस दे रहे हैं, ये पूरे साल की है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पता करना है, सब कुछ पता करना है, उसके बाद ही आपको पेपर वर्क करना है। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों को रेजुनेट करी, 1 to 10 वालों के लिए थी टिल दिसंबर। नेक्स्ट रीडिंग में लेकर आऊँगी 11 to 20, ओके, 11 to 20 और 21, इन दोनों में से एक होगी, मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। टेक केयर, ध्यान रखिए, बाय बाय। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर।